आपकी सोच मेरी खोज जारी है साथियों। आप जानते हैं मैं जब भी आता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया की तलाश में आता हूँ। आज इसी तलाश में आपको एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा मशीन दिखाएंगे जो बहुत ही आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि ये कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। 3.5 लाख रुपए, ऐसा ध्यान रखना जी। बिल्कुल, जो प्रॉमिस है पिछले वीडियोस में भी पूरा करा है और आज भी हम डेफिनेटली पूरा करेंगे और आगे तक भी करेंगे। 3.5 लाख, ओनली ऑन 3,50,000, 3,50,000 रुपए में मैं मशीन डेफिनेटली दूंगा। आप सबसे पहले प्रोसेस में समझा दूंगा आपको कि इस तरह का रोल आता है। ये आप रोल देख पा रहे हो, इस तरह का रोल आपको पूरा ब्लैंक आता है। उसके बाद इस मशीन पे लगाया जाता है, इस मशीन पे लगा के प्रिंटिंग किया जाता है। आप ये देख सकते हो, यहाँ इंक डला हुआ है, यहाँ डाई लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं इस तरह का प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कटिंग मशीन कि कैसे कटिंग हो रहा है। सर नेक्स्ट प्रोसेस दिखाइए, कटिंग होने का क्या जरा देखा जाए। ये कटिंग मशीन है आपकी, कटिंग मशीन आ गई। देख सकते हो, जहाँ तक नज़र घुमाएंगे वहाँ तक आपको मटेरियल ही मटेरियल मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं, ये मशीन अपना डिस्पोजल पेपर कप मशीन है। अच्छा, इसमें आप चाय वाले कप हैं, जूस वाले कप हैं, पेपर वाले, जो ये सब कुछ यही मशीन बनाती है दोस्तों। अच्छा, इस तरह की गिलास बनाने वाली है। जी जी बिल्कुल। और इसका साथियों आप जानते होंगे ये डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर आप देखो बना के गिन सकते हो, जितना चाहो उतना गिन सकते हो। देखो पैसे ही पैसे हैं, आप जितना बनाओगे उतना पैसा गिनोगे। सर का कहना है दिन भर में बहुत ज़्यादा बना सकते हो। तो सर कितना प्रोडक्शन इसका एक दिन का है? जी बिल्कुल, आपको मैं बताने वाला हूँ। ये जो अपना पेपर कप का मशीन है फुली ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक ऑयलिंग है, सब कुछ वेरियंट सब कुछ सेम है दोस्तों। अच्छा। इसके अंदर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है दोस्तों कम से कम 30-35 से 40 हज़ार पीसेस का पर डे का अपना काम होता है इस मशीन का। 30 से 35 हज़ार? जी बिल्कुल दोस्तों, एक दिन का प्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की कप 30 से 35 हज़ार बना देंगे? बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। अच्छा जी, सर क्या स्पीड है इसका अपना? देखो 55 से 60 का स्पीड रहेगा, आराम से आप बना सकते हैं। मतलब एक मिनट में 50 से 60? जी जी सर, बना के आपको दिखा देंगे। जी बिल्कुल सर। सर इस मशीन की सर क्या कोई गारंटी वारंटी भी? जी दोस्तों, एक साल का बिल्कुल वारंटी रहेगा मशीन का। कोई प्रॉब्लम आती है, पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल चेंज होगा। अच्छा जी सर। बहुत अच्छा। मान लो सर कोई मशीन जब लेता है आपसे, जी सर, ये कोई कोलकाता से देख रहा हो, उड़ीसा से देख रहा है, तो आपका कहना मैं वहाँ भी मशीन भिजवा दूँ, बाकी वो मशीन चलाना कैसे सीखेगा? बिल्कुल सर, देखो फर्स्ट ऑल तो मैं बता दूँ, आज जब कस्टमर इस मशीन के लिए अप्लाई करता है, कुछ लेने के लिए एग्री होता है, हम फर्स्ट प्रोसेस उसके पास मशीन भेजने के बाद उसका इंस्टॉलेशन जो है वो हमारी ओर से होगा। हम ट्रेनिंग के लिए हमारा बंदा वहाँ भेजेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद में फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो लड़के हायर के लिए भी हम भिजवा सकते हैं। एक महीना सैलरी पे आप रखना चाहो, हर तरीके से लड़के भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अच्छा जी। जी सर, तो सर इस मशीन की क्या कीमत उमत होने वाली? दोस्तों वही कीमत जो मेरे पिछले वीडियो में आपको बोला था, मात्र 3.5 लाख रुपये में आज भी हम वही रेट वेरी कर रहे हैं। ओनली 3.5 लाख? जी दोस्तों, देखने साथियों जितने का आप आईफोन एक नहीं दो खरीद सकते हो उतने में सर का कहना है कि हम बिजनेस शुरू करा देंगे आप। जी बिल्कुल सर। तो सर मैं चाहूंगा तो, कि इस जी मैं आपको आज लाइव चला के बिल्कुल दिखाता हूं और कैसे क्या मैनेज होगी मशीन वो आज हम खुद बताते हैं। मैं भी चाहता हूं सर कि इस मशीन को एक बार जरूर मेरे साथियों को चला के दिखाइए, जिसकी कीमत ओनली 3.5 लाख। देखो फर्स्ट ऑल वेरियंट हम दिखाते हैं, ये पेपर डालने का प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ से मशीन में पेपर डाला जा रहा है। अच्छा, ये पेपर आप यहाँ, हाँ, मटेरियल को यहाँ फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया अपन ने। बहुत अच्छा। अब स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है? स्टार्टिंग जो प्रोसेस रहेगा, ये देखो एक स्टार्ट बटन होता है इस तरीके। अच्छा। से ये हुआ, यहाँ से ये पेपर जाएगा और फर्स्ट सीलिंग होगा यहाँ पे। अच्छा, पेपर का फर्स्ट सीलिंग होने के बाद में पेपर पहुँचेगा गोले तक।
अच्छा, गोले तक बाद में पहुँचने के बॉटम का प्रोसेस है सर ये। अच्छा ये बॉटम लगा हुआ है। हाँ, ये बॉटम का प्रोसेस साथियों को उधर से आके ये बॉटम लगा हुआ है। ये नीचे का जो पैंदा है वो ये प्रोसीजर चलेगा। यहाँ पे कप का नीचे का प्रोसीजर लगता हुआ सीधा मोल्ड में पहुँचेगा कप आपका। उसके बाद में यहाँ से आओ दोस्तों। अच्छा इधर क्या हो रहा है सर? अब नीचे का जो पैदा जो पैदा है अपना वो सीलिंग हो रहा है। अच्छा जो बॉटम को सील कर रहा है इसको अपन नलिंग टूल बोलते हैं। नलिंग अपनी सीलिंग हो रही है, फिर कर्लिंग जो उसका ऊपर का हिस्सा है जी जी। वो भी आपका वही बन रहा है। अच्छा वही मोल्ड हो रहा है। यहाँ पे हीटर सिस्टम पूरा सिस्टम होता है दोस्तों बहुत। लेकिन यहाँ पे आप आओ, यहाँ पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मशीन का। अच्छा जी। विद ड्राइव कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो लाइट को कम ज्यादा आने के ऊपर में डायरेक्टली ये सब ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये PIDs होती हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक जो भी अपना जो हीटर्स होते हैं उनको कंट्रोलिंग करती है पूरा। ये पूरा पैनल बना हुआ है। ये पैनल है, पूरा सिस्टम है कंप्लीट। और इसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं ये सेंसर है, इसमें बॉटम बिल्कुल बीप मार रहे हैं। हाँ। ये बॉटम का सेंसर है, बॉटम जैसे ही खत्म होगा या ग्लास जैसे ही कम्प्लीट होगा। अच्छा, उसका भी वो कम्प्लीट वो होता है। सर मशीन को जरा बंद कर दीजिए, मतलब चाहे बॉटम चाहे मटेरियल कुछ भी खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप सेंसर बजने लगेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत अच्छा, मतलब मैं ये मान लूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब नुकसान हो जाएगा? नहीं, कोई भी कोई नुकसान नहीं सर। मतलब बॉटम खत्म हो जाता है तो आप बटन दबा के आपको देखो आप ये सेंसर देख पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये आपको पूरा का पूरा ऑपरेट करेगा या गाइड करेगा, ये बीप मारेगा। अच्छा। जब ये खत्म हो जाएगा उधर भी बॉटम का अगर वो दिया हुआ है, अगर वहाँ भी बॉटम बंद हो जाएगा तो वो बीप मारेगा। अच्छा, किसी भी सिचुएशन में कोई दिक्कत आती है तो ये सेंसर है ऑटोमेटिक बंद कर देती है मशीन को। बंद कर देती। बिल्कुल सर। बहुत तो फुल ऑटोमेटिक सेंसर, फुल ऑटोमेटिक ऑयलिंग जी जी, और सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है। आपने देखा मैं किस तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो इजीली एक ही आदमी का लेबर भी, एक ही आदमी अगर आप चाहो तो एक आदमी के थ्रू ये पूरा काम कर सकते हैं। मशीन कब बना रही है डायरेक्टली, अब मुझे क्या करना है, मुझे ओनली इसका पैकिंग सिस्टम करना है और उसमें पैक करना है। तो एक आदमी इसको इजीली और स्मूथली आप मैं बता दूं आपको पैकिंग भी कर सकता है और इसको ऑपरेट भी कर जी सकता सर। है। बहुत अच्छा जी सर, कितने घंटा इसको चलाया जा सकता है? ये 24 आवर चलने वाला मशीन है दोस्तों। आप चाहो तो 2 शिफ्ट में इसको इजीली चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मतलब 24 घंटे चलाने वाला है। आप चाहे तो 12 घंटा दिन 12 घंटा रात जी 2 बंदे रख के आप चला सकते हैं। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा सर, एक बार मैं और जानना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ बड़ा फिनिशिंग कब निकल रहा है। ये देख सकते हैं साथियों आप, कितना फ्रेश निकला हुआ आप ये देख सकते हैं। तो मैं सर एक बार और जानना चाहूँगा, ये क्या जो 3.5 लाख रुपये रेट बताया इतना सही मैं सुन पाया हूँ? जी बिल्कुल, मात्र 3.5 लाख में ये एज इट इज आप जो देख पा रहे हैं ये हम डिस्पैचिंग वाला ही रखे हैं। आप देख पा रहे हो ये सब जाने वाली मशीन है दोस्तों। अच्छा, ये भी सब जाने वाला है। बहुत अच्छा। हाँ, ये भी जाने वाली मशीन है, ये भी बाहर जाएगा, रुद्रप्रयाग है। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल। और ये पैकिंग है सर? ये पैकिंग है इस तरह का, देखो आप ये भी मशीन जाने वाली है। अरे वाह, कंप्लीट है। इस तरीके से हम पैक कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इधर देखो ये भी। अच्छा, उधर भी मशीन है? हाँ जी। बहुत अच्छा, इस तरीके से हम पैकिंग करके पहुँचाने का सिस्टम है पूरा। बहुत अच्छा। छोटा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप देख पा रहे हैं ये भी कस्टमर का एक प्रॉफिट ही होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसका जो वेस्टेज जो है निकलता है, वेस्टेज नहीं होता, एक्चुअली 40 से 50 रुपए किलो के में बिकता है ये। अच्छा, मतलब ये रद्दी भी बिक जाएगा? रद्दी बिकेगा, ये रिसाइकल प्रोडक्ट है तो इजीली आपका लाइट कार काफी अच्छे ये एक्सपेंसेस निकाल देगा आपका, तो प्रॉफिट में बहुत एड ऑन करेगा ये सर। बिल्कुल। तो सर मैं ये चाहूंगा एक बार मुझे फैक्ट्री दिखाइए कि जहाँ मटेरियल बनता है। जी बिल्कुल सर। हाँ, कि क्या प्रोसेस है? ये आप कह रहे हैं कि क्या होता है सर, मशीन तो लोग बहुत लोग ले लेते हैं कहीं ना कहीं से मशीन ले, पर मशीन लेने के बाद उनको अच्छी सर्विस नहीं मिल पाता। बिल्कुल है सर, आप आज अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो मैं लाइव देखना चाहता हूँ सर। जी जी बिल्कुल। तो आज मेरे साथ बिल्कुल चले सर अपन, और लाइव रूबरू करवाते हैं कस्टमर्स को कि अपन कैसे क्या मटेरियल बनवा रहे हैं। आइए चलते। जी सर, आइए साथियों चलते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। देखिए राकेश सर आपके फैक्ट्री ले आए हैं। बिल्कुल सर। और बैठिए। तो सबसे पहले सर एक छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, आपके कंपनी का क्या नाम है और ये कहाँ पर है कंपनी सर? सर अपनी कंपनी का नाम चौधरी एंटरप्राइजेज है। अच्छा। ये बॉम्बे हॉस्पिटल जगतपुरा रोड जीवन 202 अप्रैल पार्क सीतापुरा। अच्छा। जयपुर में। आपके आने का एक ही पर्पस है और अपने साथियों को दिखाने का एक ही पर्पस, या खुद बनाते हैं?
सर। अच्छा, ये आपकी फैक्ट्री है सर? बिल्कुल सर। अच्छा जी, तो सर ये कौन सी मशीन लगा रखे हैं सबसे पहले, इसके बारे में? ये प्रिंटिंग मशीन है, फ्लेक्सो। अच्छा, ये प्रिंटिंग मशीन है? हाँ। ब्लैंक पेपर आता है उसे ये प्रिंट करते हैं? प्रिंट करते हैं। अच्छा, ब्लैंक पेपर कहाँ लगा हुआ ये मान लो? हाँ, ये रोल लगा हुआ है सर। सिखाना, ये ब्लैंक पेपर लगा हुआ है और उस ब्लैंक पेपर को प्रिंट कर रहा है ये आपकी मशीन सर? हाँ सर। ये फोर कलर की मशीन लगा, थ्री कलर? फोर कलर सर। फोर कलर की मशीन लगा है। अच्छा जी सर, जरा दिखाइएगा इधर से, आप देख सकते हैं साथियों, फोर कलर की मशीन लगा है जिसको आप ये मान के सकते हो कि पहले ये प्रिंट होगा फिर इसकी कटिंग होगी सर? फिर इसकी कटिंग होगी सर इस मशीन में। अच्छा, तो ये प्रिंटिंग मशीन है और ये कटिंग मशीन? ये कटिंग मशीन। इसका जो मटेरियल तैयार रेडी होता है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है सर? यहाँ पर है सर। अच्छा, ये मटेरियल रेडी है? मटेरियल है। अच्छा, इस तरह का बंच बनाया जाता है? बिल्कुल सर। तो जब लोग किसी को आप देते होंगे तो इसी तरह का पैक करके देते? बिल्कुल सर, पैक करके देते हैं। अच्छा, क्या ये क्वांटिटी के हिसाब से होता है या किसके हिसाब से होता है? क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से पैक किया जाता है। अच्छा, देखिए साथियों, जहाँ तक नज़र घुमाएंगे वहाँ तक आपको मटेरियल ही मटेरियल मिलेगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। राकेश सर, एक बात मुझे बताइए आप, जो आप सर की कंपनी ले आए और मुझे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा जी सर, बहुत अच्छा। देखना चाहती हूँ, वन बाई वन करके सर ने बताए हैं, दिखाएं कि पेपर कप का सबसे ज़्यादा डिमांड है और हर घर में ज़रूरत है, चाहे तो कोई ऐसा आदमी हो जो चाय नहीं पीता हो जी जी पेपर कप में। और ये तब से हुआ है जब से आपका थर्माकोल बंद हो गया जी। इसमें सर मोस्टली देख लो, आज थर्माकोल हो, पॉलीथीन के ग्लासेज हो, मतलब प्लास्टिक के जो है बन रहे हैं, तो मोस्टली ये आज पूरा बैंड हो चुका है। तो दोस्तों, आने वाला जो समय भी इसका है पेपर का ही रहेगा पूरा। जो मैं बता दूं, डिस्पोजेबल्स आइटम ही इसमें ज़्यादा, जो पेपर का चल रहा है इस वक्त, सबसे ज़्यादा रनिंग पे बूम पे है। तो अभी इसको ज्वाइन करोगे तो मोस्टली मैं बता दूं आपको, ओनली 6 मंथ में आदमी इसको पूरा का पूरा बिजनेस सीख के एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, राधा रानी ट्रेडिंग कंपनी से। सर, आप कोई संपर्क करना चाहता था जी? अगर मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना हो, किसी भी दोस्त को मशीन लेनी हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों स्क्रीन पे दिए हैं, डायरेक्टली आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। सर बिजनेस आइडिया 3.5 लाख रुपया सर, ध्यान रखना जी। बिल्कुल, जो प्रॉमिस है पिछले वीडियोस में भी पूरा करा है और आज भी हम डेफिनेटली पूरा करेंगे और देखना आगे तक भी करेंगे। 3.5 लाख ओनली ऑन 3,50,000, 3,50,000 रुपये में मैं मशीन डेफिनेटली दूंगा। आप विजिट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है जयपुर राजस्थान में, और नहीं भी कर सकते तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी ऑर्डर लेके मेरे से प्रोसीजर कर सकते हैं। और मटेरियल आप देख ही चुके हैं, पूरा मटेरियल से लेके पैकिंग मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू।